फ्रेंड, आपको पता है आज 12 जुलाई डेट है, तो आज है ना पेपर बैग डे है, तो है ना दिन को मनाने के लिए हमारा ये यूज है, हम प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना है, हमें पेपर बैग यूज करना है। और है ना अगर है ना हमारे जान हमारे है ना फ्रेंड्स जानवर है ना अरे प्लास्टिक बैग को खा जाते हैं, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, इसलिए है ना हमें पेपर बैग यूज करना है, प्लास्टिक बैग नहीं। और है ना आपको पता है हमारी फैक्ट्रीज में से जो भी बहुत सारा वेस्ट कचरा निकलता है ना, मतलब प्लास्टिक बैग्स ये सब, ये सारे समुद्र में जाके स्टोर हो जाते हैं और फिर उन्हें फिशेस खा के मर जाती हैं। और हमारे को है ना साइंटिस्टों ने वार्निंग दी है कि है ना 2050 तक हमारे है ना समुद्र में इतना कचरा हो जाएगा प्लास्टिक बैग्स का फिशेस के मुकाबले, तो फिशेस उनको खा के मर जाएगी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो है ना हमारे फैक्ट्रीज से जो मन के आता है वो सीधा नदियों में जाके अगर फिशेस खा जाती है तो उनकी होती। दी ये प्लास्टिक बैग है और ये पेपर बैग। अच्छा, ये पेपर बैग ना 1 मंथ में डीकम्पोज हो जाते हैं, और ये प्लास्टिक बैग ये 1 मिलियन ईयर्स में डिकम्पोज होते हैं, और इनको बनाने के लिए मशीनें यूज करी जाती है, और इनको हम होम में भी बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको होम में बनाना बताती हूँ पेपर। आज मैं आपको पेपर बैग बनाना बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पेपर लिया है, गम, पेंसिल और टू थ्रेड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे पेस्ट करेंगे। ऐसे पेस्ट कर दूंगी, अच्छे से प्रेस कर देना। अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसे। अब हम इसे यहाँ पे चिपका देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये वाली साइड है ना, तो फ्रेंड्स अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अपन। अब हम इसे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से लेके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड से।